प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम हीरा लाल दास, दिल्ली से। जी। मेरा कंठ का एक अनुभव है। जी। वही 3 महीने पीछे का है। मैं जब दोपहर में ध्यान कर रहा था तो प्राण यहाँ पर आया और कुछ इस भाग में 2 दिन बाद दर्द होने लगा। जी। सुई की तरह यहाँ तक आया प्राण। जी। और ये भाग जैसे ये नारियाँ होते हैं ना, इसमें दर्द होने लगा कुछ। 2 दिन के बाद एक शिवलिंग दिखाई दिया नीले कलर में। अच्छा। फिर अगले दिन दिखाई दिए आकाश में एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया और नीचे आग जल रही थी। जी, मैं बता दूं, आपने जो इशारा किया सिर के ऊपरी भाग में प्राण यहाँ तक आया, हाँ प्राणों की अनुभूति हुई होगी, सही बात है। लेकिन आपका प्राण वहाँ तक नहीं जाता है। प्राण का मतलब है जो अपान वायु ऊर्ध होकर के प्राण, अपान और प्राण मिक्स होकर कंठ चक्र को भेदन करते हुए, यानी और आज्ञा चक्र को भेदन करते हुए आपने ऊपरी भाग का ब्रह्मरंध्र के अंदर ऊपर जाते हैं। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद ये अवस्था नहीं, लेकिन आप जो प्राण की अनुभूति कर रहे हैं सही बात है। उसका कारण है कि आप ध्यान करते हैं उस क्षेत्र के जो मस्तिष्क का ऊपरी भाग है वहाँ पर स्थित जो नाड़ियाँ हैं वो क्रियाशील हो रही हैं, उनके अंदर जो प्राणवायु भरी हुई है, सूक्ष्म रूप से प्राणवायु भरी हुई है, वो हलचल कर रही है, इसलिए अनुभूति करा रही कि यहाँ प्राणवायु है और यहाँ आ गई या भरी हुई है। मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ, ठीक है। ये ना समझे कि आपका अपान वायु और जो जैसे नहीं होता ऊर्ध होते हुए वहाँ तक आया, क्योंकि आपका कंठ तो खुला नहीं है। क्या अवस्था है आपकी? कुंडली गले तक आती है। कुंडली गले तक आती है तो प्राण वहाँ कैसे जा सकता है? अभी वो तो अभी वही तो हमें ऐसा याद आ रहा है कि गला आपका नहीं खुला है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो अनुभूति हो रही वो सही है, लेकिन यही है गला नहीं खुला तो प्राण ऊपर नहीं गया। अभी वो जो सिर के अंदर जो अनुभूति हो रही है प्राणों की, तो मस्तिष्क के अंदर की जो नाड़ियां हैं, या समझो समझना चाहिए कि जो कोशिकाएं हैं उनमें प्राण अति सूक्ष्म रूप से गति कर रहा है या खुलने की क्रिया हो रही है, यानी तमोगुण भरा होता है वो धीरे धीरे स्वच्छ होता है तो शुद्ध प्राणवायु बनती है वहाँ पर, उपस्थित होने लगती है तो क्रियाशील हो जाती है। कोई बात नहीं, आपने अनुभूति बताई। कितनी देर तक अभ्यास करते हैं आप एक दिन में? एक दिन में 3.5 घंटा करता हूँ। 3.5 घंटा मिल जाता है समय? ऐसे तो लगभग 5 घंटा करता हूँ, सारे प्रणाम मंत्र जप करते हुए सब 5 घंटा निकाल। प्राणायाम कितना करते हैं? प्राणायाम 2 बार करता हूँ, 15-15 मिनट। 15-15 मिनट। भोजन आपका सात्विक है? सात्विक है पूरी। परिवार में किसी तरह का विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अभ्यास करते रहिए। जी, थैंक यू। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.